हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, अफगानी पीपल रिएक्शन। चलो देखें, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएँ जैसे मैं अपलोड कर रहा हूँ। दूसरे दो चैनल्स, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोज़ उन चैनल्स में भी आ रहे हैं। उनके लिंक से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको वीडियो पसंद है, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया में सही लग रहा है, बस थोड़ा गर्मी है। अफगानिस्तान में शांति हो जाए, सबको अपना देश अच्छा लगता है, अपना देश जाए वापस। हमारे सर पे बस लड़ाई ज्यादा है, नहीं तो उससे अच्छा मुल्क ठंडा है, सही से हवा है, सब कुछ मिलता है सही से। बस थोड़ा लड़ाई झगड़ा बहुत है। ऐसे पाकिस्तानी है अफगानियों के साथ लड़ाई करते हैं, अभी भी कर रहे हैं ना। अफगानियों को पीटते है, बोल रहे हैं अब पाकिस्तान से निकल जाओ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल CNN वर्ल्ड, बेल आइकन दबाएं। ये वो सब अफगानिस्तान से जो इंडिया आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद है। मेरा नाम इस्मत। मेरा नाम अकबर। मेरा नाम मतीन। इंडिया में कब से हैं आप लोग? मेरा काफी 6 साल हो गया। मेरा 2 साल। 1 साल। मेरा 5 साल हो गए। कैसा लग रहा है आप यहाँ पे इंडिया में? कैसा लग रहा है? अच्छा, सही लग रहा है। अच्छा, अच्छा लग रहा है, आराम से रह रहे, बस लड़ाई नहीं है। अच्छा, और कहाँ पर लड़ाई है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में। अच्छा, आप लोगों ने तो अपनी आंखों के सामने लड़ाई देखी होगी इस उम्र में। ये सब देखा है? क्या देखा है? एक जगह पर हम खड़े थे तो एकदम बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, तो आप आतंकवादी बहुत ज्यादा है। बस इंडिया में सही लग रहा है, बस थोड़ा गर्मी है, ज्यादा सही लग रहा है। तो अच्छा, और गर्मी पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान के बारे में जानते हैं कुछ? मैं पाकिस्तान गया हूँ। पाकिस्तान गए हो, कैसा लगा? तो अच्छा नहीं लगता उधर। क्यों? बस पाकिस्तानी है अफगानियों के साथ लड़ाई करते हैं, अभी भी कर रहे हैं ना। अफगानियों को पीटते है, बोल रहे हैं अब पाकिस्तान से निकल जाओ। काफी अफगानी है जिसके पास पैसे नहीं है ना, इलाज करने पाकिस्तान जाते हैं। जो जिसके पास पैसा इंडिया था, जिसके पास नहीं वो पाकिस्तान जाता है। फिर उधर मार पीट जाता है, पासपोर्ट वो जो सिफारत में जाते हैं वीजा लेने, उधर भी मार खाते हैं। बहुत मुश्किल प्रॉब्लम है अफगानियों के लिए पाकिस्तान में। इंडिया में कैसा लग रहा है? इंडिया से बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इधर बहुत आरामी भी है, इधर लड़ाई कुछ नहीं है। ये सारे आपके दोस्त है, दोस्त बन गए? इंडियन बच्चा दोस्त बनाया? बनाया 2-3 बनाया, बस बस 2-3, और बाकी 4-5 अफगानी। क्यों ऐसा? क्यों भेदभाव कर रहे हो इंडिया में? पहले मुझे हिंदी नहीं आता ना, मैंने उसका साथ इंडिया का। इसको हिंदी सिखा देना, तभी तुम ये दोस्त बनाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। पाकिस्तान में जो लड़ाइयाँ होती रहती हैं, आप लोग कभी पाकिस्तान जाना चाहेंगे? नहीं, पाकिस्तान नहीं है, अफगानिस्तान जाएंगे और अफगानिस्तान की रक्षा करेंगे। अच्छा, आप जाना चाहेंगे पाकिस्तान कभी? नहीं, कभी नहीं जाते। इसका वही प्रॉब्लम उधर जाएगा कोई है? इसका प्रॉब्लम जाएगा फिर उसका उधर जाएगा। ऐसा पाकिस्तान में अफगानियों का प्रॉब्लम है, कोई जाएगा उधर? नहीं जाएगा सब उसका। अपना मुल्क आपका अफगानिस्तान कैसा है, कितना कुछ बताना चाहेंगे अपने अफगानिस्तान के बारे में? अफगानिस्तान तो देश हमारा बहुत बढ़िया है, लड़ाई ना हो तो सबसे, और मौसम में, सब चीज़ में, फ्रूट में, सब चीज़ में पहले अफगानिस्तान बढ़िया है। मगर लड़ाई लड़ाई में सुना हो तो बढ़िया है अफगानिस्तान। अपने अफगानिस्तान के बारे में आप कुछ कहना चाहें? कैसा लगता है वहाँ पर कांटेक्ट होता है, भाई बहन ये जो भी रहते हैं? हाँ, चाचा सब, मेरा पूरा फैमिली उधर है, बस हम इधर है। और अफगानिस्तान पे बस लड़ाई ज्यादा है, नहीं तो उससे अच्छा मुल्क ठंडा है, सही से हवा है, सब कुछ मिलता है सही से। बस थोड़ा लड़ाई झगड़ा बहुत है और अच्छा। और अगर आप लोग कुछ मैसेज देना चाहें अपने अफगानिस्तान को, अपने देश को, अपने मुल्क को, तो वो क्या मैसेज होगा? मैं बस वहाँ के वहाँ के प्रेजिडेंट को कहना चाहता हूँ सही से थोड़ा रक्षा करें अफगानिस्तान के, और ये सारे आतंकवादियों को भगा दे अफगानिस्तान से। बस अफगानिस्तान तो बहुत अच्छा मुल्क है, इंडिया का दोनों। कोई मैसेज अगर आप देना चाहें? मेरे को मैसेज नहीं है, मेरे पास मैसेज नहीं है, थोड़ा शर्मा रहे हैं, आप देना चाहेंगे मैसेज? तो हमारे अफगानिस्तान में शांति हो जाए, सबको अपना देश अच्छा लगता है, अपना देश जाए वापस, आराम या शांति हो जाए, तो और क्या चाहिए अफगानिस्तान का, वही चाहिए बस शांति। और इंडिया में आप लोगों को अच्छा लग रहा है? हाँ, सही लग रहा है, इंडिया में अच्छा लग रहा है, सही। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का। आई होप आप लोग अपने देश को भी बचाएं और हमारे देश में भी काफी काबिल रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का, थैंक यू। बड़ा ही प्यारा वीडियो था, उस देख के ना दुख भी हो रहा था कि अपनी देश को छोड़ के जाना आसान नहीं है। पेरेंट्स ने कुछ सिर्फ अपने बच्चों को भेजा है,
बच्चों को पेरेंट्स भी होंगे वो तो बोले से मैं अकेला ही हूं नहीं वो कह रहे मेरे मुझे लगा कि वो कह रहे हैं कि सिर्फ मेरा परिवार ही आया है पर चाचा मेरे बाकी सारे जो मुझे लगा वो कह रहे हैं कि मैं अकेला हूं कि किसी रिश्तेदार मतलब पेरेंट्स वगैरह वही हैं किसी रिश्तेदार के पास भेज दिया इंडिया में आई होप नॉट मुझे तो यही लगा कि पेरेंट्स साथ में आए होंगे कि हमने अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए हम तो जा रहे हैं बाकी जो बाकी रिश्तेदार हैं वो सब चाचा मामा उन्होंने अच्छा एग्जांपल दिया कि जिसके पास थोड़े पैसे हैं वो इलाज के लिए इंडिया आता है जिसके पैसे नहीं है वो बेचारा पाकिस्तान जाता है और वहाँ पे कह रहे हैं कि भैया पाकिस्तानी जो हैं वो अफगानिस्तानियों को बहुत गंदी तरह ट्रीट करते हैं उनको मारते हैं और कहते हैं वापस जाओ तो वो उनको है और वो जब पूछा कि तुम पाकिस्तान जाना चाहोगे अगर तो, मतलब तो किसी ने भी नहीं बोला जाना चाहेंगे और एक ने तो सीधा बोला कहता जहाँ पे इतना उस तरह से करते हैं अफगानिस्तान के लोगों के साथ कौन जाना चाहेगा तो इतनी उनको गुस्से में आ गया था गुस्सा था मतलब उनको वाकई में बहुत गुस्सा कहते हमसे लड़ाइयाँ करते हैं वो और सबको यही था कि भाई हमारा अफगानिस्तान बहुत अच्छा है बस एक लड़ाई की वजह से जो है सब खराब हुआ वह काम और उनका यही मैसेज था कि वहाँ पे जो है आतंकवादी खत्म हो जाएं और वहाँ शांति हो जाए ताकि ये वापस जा सके उन सबका ये एक सपना है कि हम वापस अपने अफगानिस्तान जाएं राइट देखिए वो भी अच्छा बोल रहे हैं कि अफगानिस्तान में हवा साफ है और ठंडी है ठंडी है क्योंकि पहाड़ है हाँ पता नहीं मेरे ख्याल से दिल्ली विल्ली कहीं रह रहे होंगे और वहाँ यहाँ तो वहाँ तो गर्मी होती है इंडिया में तो मोस्टली एरियाज जो है वहाँ गर्मी वाले हैं और वहाँ अफगानिस्तान में ठंडा अच्छा मौसम होता है तो वो उनको बहुत मिस कर हो रहा होगा और मैं आई कैन अंडरस्टैंड अभी वन आई कैन अंडरस्टैंड कि जो सर्दी वाले इलाके के लोग हैं वो गर्मी के इलाके में उनको बहुत परेशानी होती होगी वो बेचारे मुझे पता है वो दिन रात बेचारे यही ड्रीम कर रहे होंगे कि भाई हम कब अपने वापस देश जाएं और वो लुक फॉरवर्ड करें कह रहे हम जाएंगे उन्होंने उनका वो सपना है उन्होंने ये नहीं गिव अप किया कि वापस जा ही नहीं सकते उनका अभी भी होप है कि वहाँ पे बेटरमेंट होगी इम्प्रूवमेंट होगी और हम वहाँ जाएंगे और ये भी देख के बट मेरे को लग रहा था कि इतनी स्ट्रगल करनी पड़ रही है उनको कि हिंदी आती नहीं थी अब वो सीखी उन्होंने जो चार पाँच साल जो यहाँ रहे हैं उसमें पहले हिंदी सीखी है नहीं हिंदी आती थी इसलिए बाकी लोगों के साथ मिक्स होना मुश्किल होता दोस्त नहीं बन रहे थे इंडियन वो बच्चे ने कहा ना कि मेरा एक या दो दोस्त हैं और उन्होंने बोला भैया आप लोग ये तो इतने सारे हैं आपके दोस्त अफगानी और इंडियन सिर्फ दो तीन तो उसने कहा कि मेरे को पहले हिंदी नहीं आती थी ना तो इस वजह से और वो हर जगह होता है कि भाई जब आप कहीं पे भी रह रहे हो अपने जो होते हैं वो जो सेम कंट्री के होंगे आप उनसे ज्यादा क्लोज जो आपकी तरह दिखते होंगे आपकी तरह बोलते होंगे आप उनके पास ज्यादा क्लोज होंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे फायदा ये होगा कि बहुत ही बड़ी एजुकेशन मिलेगी इनको लाइफ अच्छी मिलेगी आप ये देखिए 5-10 साल में ये बच्चे जो हैं बहुत ही मतलब इंटेलेक्ट में डिफरेंट होंगे देन जो बच्चे अफगानिस्तान में हैं वो तो है तब उनको भी नजर आएगा कि देखो मैं कहाँ से कहाँ आ गया इस देश की वजह से वो तो है जहाँ इतनी ज़बरदस्त एजुकेशन मिली है जहाँ हमारी एजुकेशन काफ़ी टफ रहती है ज़बरदस्त और टफ और वो फोर्स करती है आपको अपना दिमाग चलाने के लिए फोर्स करती है नहीं और साथ में मेरे ख्याल से कई ऐसे भी मेरे ख्याल हो सकता है कि इनके कोई बहन भी हो और उस वजह से जो है पेरेंट को ये डिसीजन लेना पड़ा हुआ कि हमको इंडिया आ जाना चाहिए क्योंकि अभी की वहाँ के हालात तो है नहीं कि कोई जो वुमेन हो या बच्चे हो लड़कियाँ हो वहाँ पे रह लें और फ्रीडम के साथ रह सकें तो अपने बच्चों के लिए देख लो कितना कुछ करते हैं पेरेंट्स कंट्री भी छोड़ के आ गए बहुत ही प्यारा वीडियो था बहुत ही इंडिया से इतना प्यार और जितना इंडिया से प्यार उतना ही पाकिस्तान से उनको नफरत है जिस तरह से चलिए मतलब प्यार पे ज्यादा फोकस है तो वही करेंगे बहुत ही अच्छा लगा एंड वी होप कि उनको वहां सब ठीक हो जाए अफगानिस्तान में और उनको मौका मिले कि वो वापस अपने जो है वहाँ पे जाके आराम से खुशी सबके साथ मिलजुल के रह सके अपने अपनों के साथ तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।